ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਤਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਫੋਰਡ ਦਾ F-150 ਲਾਈਟ ਆਏ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ अनलॉक करते हैं और पूरी लाइट बारे के जग जानी सारी एलईडी लाइटनिंग है मैट्रिक्स एलईडी लाइट चेंज कर रही है जी जी ग्रिल सारी क्लोज है क्योंकि ये इंजन है नहीं गा हूँ तो यदि लोड नहीं क्योंकि कूलिंग की इन्हें लोड नहीं सी ये जी फ्रंट की कपैसिटी आगी है 400 लीटर ये आप इतने सामने ये पूरा बैटरी का फंक्शन दिता हो इधर प्लग आउटलेट ने इतने सारे आप मेन वोल्ट प्लग ये दिते हुए ने इतों आप कुछ भी अपनी ये इन्नी पावर है पूरे अपने घर की लाइट जगा सकता है तो जो कुछ आप जंप स्टार्ट करना किसी वहीकल हेल्प चाहिए वो प्लग ये दिते हुए ने इतों आप किसी भी गड्डी जंप स्टार्ट कर सकते हैं तो आ जाओ हम आप इन कर दें क्लोज भी सारा इलेक्ट्रॉनिक ही है हम आप पास चार्जिंग पोर्ट इतने ये पावर सॉकेट यहाँ लगता है यहाँ चार्जिंग पोर्ट ने इतनी दोवें साइड में पूरा मैकेनिज्म दिता हुआ पर सिर्फ चार्जिंग इधरले पास होता परले बने सिर्फ और डिजाइन एलीमेंट कवर करने ही ये चीज दिखी हुई है तो गल करते हम आप अलॉय व्हील्स ये फैक्ट्री तो ही इनू 275/22 इंच जिन अलॉय फैक्ट्री तो ही आ रहे हैं काफ़ी शानदार अलॉय बना दिए गए होर आज इनकी साइड प्रोफाइल काफ़ी लंबा ट्रक है तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा पूरी कैंपिंग लाइट दी है साइड वास्ते एक 360 कैमरा ये लाइट ऑप्शन अंदर दी हुई है आप स्क्रीन को टच करके लाइट लगा सकते हैं अपनी कैंपिंग पोजिशन वास्ते किसी तरह भी इन्हें यूज कर सकते सब तो पहले डोर खोलते सारी ही अपोस्ट्री लैदर के दिखी हुई है सीड लैदर लगा हुआ तो आ दूजा लैदर है अपन प्योर लैदर लगा हुआ लॉक के बटन ने मिरर कंट्रोल ने तो डोर का तो एज यूजली फोर्ड का इतने ही होंगे तो काफ़ी स्पेस है ये भी दी हुई है डोर के बंग ओलफसन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है तो स्पीकर ये काफ़ी ज़्यादा ने गिने नहीं गए हजे तक तो स्पीकर की गल करिए एक इतने स्पीकर है तो एक इतने स्पीकर प्रूफ दिता है एक मिड के इतों तक कि हेडरेस्ट के भी स्पीकर है सीट्स के हेडरेस्ट के भी स्पीकर है तो प्लेटिनम की बैजिंग दी हुई है सीट के काफ़ी सीट है पूरी वेंटीलेट तो हीटड सीट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है काफ़ी वधिया लोड के मुताबक ट्रक नूं बना दिता गया है तो हुण बोल्ट्स की गल करिए ट्रेडिशनल पुराना 12 वोल्ट का सॉकेट मेन 120 वोल्ट का भी मेन सीधा विच प्लग दिता गया है तो आज एसी के कंट्रोल ने मतलब ब्लोहर तो एक भी स्पेस आ दिता गया बटन इतने तो दूजा ग्लव बॉक्स अपना एज यूजली नॉर्मल अज गल हम आप करते हैं पैसेंजर डोर तो लिख के बंद करते हैं तो जोड़ा मैं थोड़ा दस रहा है भी दूजे पास भी ये सेम एलीमेंट होता है पर यह खुलता नहीं सर डिजाइन एलीमेंट ही है यदा चार्जिंग रिलेटेड कोई रिटर्न पर होर नहीं चाहिए कि दोनों बने ही ज़्यादा बेटर हो जाता कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है जी आ लाइट है जी बार लाइट ये मैं पसंद आ रही है बहुत सोहनी लगती है ट्रक की लुक में काफ़ी इनहेंस कर रही है फोर्ड का ही पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक है जो कि लॉन्च कर दिया गया है मतलब अवेलेबल आ जाओ कि खरीदने वास्ते फोर्ड के जा बन आज हम गल करते हैं ड्राइवर साइड ट्रैक साइड के उत्ते डोर के उत्ते आपां नूं बटन दिता है लॉक का भी बटन रिक्वेस्ट सेंसर दिता तो कीपैड एंट्री भी ये अवेलेबल आ बाई चांस अपनी चाबी ट्रक के अंदर रह जाती है जो आप चाबी नहीं को रखनी इतों लॉक फोर्ड का ट्रेडिशनल काम काफ़ी चिरों से चलता आ रहा कि जो फीचर से दे रहा तो काफ़ी वधिया पर एक फीचर मैं ये नहीं समझ आ रही फोर्ड ये तो दे रहा है ना भी कीपैड दे रहा
बट चाबी तो बिना तुम स्टार्ट फिर भी नहीं कर सकते। तो ये फीचर का कोई खास मतलब जो निकलना ये आ गया जी। हम अपना ड्राइवर साइड सेम पूरी लैदर के अपहोल्स्ट्री आ जिथे मिरर के कंट्रोल ने जो इलैक्ट्रॉनिक मिरर इलैक्ट्रॉनिक फोल्ड सारा ये इतने सीट के मैमरी सीट का फंक्शन इतने जितने एक दो तीन तक ऑप्शन अपने को सेम सारा ही लैदर के मटीरियल है। तो इतने प्लैटिनम की बैजिंग दी हुई है प्लेट लाई हुई है पूरी स्कफ प्लेट जिन्होंने आप कहने। तो आज हूँ आप क्लाइंब करने वास्ते भी इतने डोर हैंडल दिता हुआ अपन ईजीली क्योंकि ट्रक काफ़ी उच्चा तो बैठने वास्ते काफ़ी वैसे बंदा मेरी हाइट 6 फुट है तो फिर भी मैनू यह सहारा लेना पै रहा ट्रक काफ़ी उच्चा। तो आज हम सीट की एडजस्टमेंट का मतलब है सारी इलैक्ट्रॉनिक सीट इलैक्ट्रॉनिक ही एडजस्ट होती अप डाउन। तो ये एदा वाउचर है सीट की अपग्रेड वास्ते क्या सिर्फ ये मसाज सीट नहीं गई वो अपग्रेड एक्स्ट्रा अपन पैसे देने पे लगते हैं तो बाकी ये पूरी ही वैल फिट सीट है। गल करते हम आप कंट्रोल इतने आ सारे पिछले लाइट के कंट्रोल ने आ फ्रंट लाइट के कंट्रोल ने तो आ साइड मिरर की लाइट के कंट्रोल ने आ मूहरे फ्रंट के कंट्रोल ने आ टेल गेट का कंट्रोल है तो आदि ब्रेक है जिन्हें आप हैंड ब्रेक कहने तो आदि पैडल कंट्रोल ने ये इलैक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट होंगे आप इन्होंने ठां ठां कर सकते हैं। डिजिटल कॉकपिट जिन्हों आप कहने तो ये वो चीज़ है 94% यदि बैटरी हजे पई है तो अपने को रेंज हैगी 455 किलोमीटर की। तो स्टार्ट करने पुश ब्रेक करके तो सेम पुश बटन वांगू स्टार्ट होंदा पर यदि कोई इंजन नॉइज नहीं होनी क्योंकि बच्चे इंजन ही है नहीं तो इलैक्ट्रॉनिक है। तो आज सारी स्क्रीन है जो कि फोर्ड मार्की के उत्तों ही पहले भी आ चुकी है ये तो ही ये अपन स्क्रीन दे दी गई है का सारे ही फीचर जिन्हें भी क्लाइमेट कंट्रोल जो भी ये सारा फीचर इस स्क्रीन के फीचर की गल करिए अपने फीचर काफ़ी सारे गेम्स तक की ऑप्शन दे दी गई है फोर्ड वालों सारा स्टीयरिंग हीटिंग का ऑप्शन भी ये ही है सीटा का ऑप्शन भी ये ही आ। तो इस ही आप गल करिए है ट्रेलर ब्रेक कंट्रोल इतों आप ट्रेलर की ब्रेक यदि कंट्रोल कर सकते जी अपना ट्रेलर पिछे कनैक्टड आ। तो आ ट्रेलर बैकअप सिस्टम ट्रेलर आप बैक करना तो आप इतों स्टीयरिंग दे भी इतों भी कंट्रोल करा तो आप ट्रेलर का कंट्रोल इतों कर सकते हैं तो स्टीयरिंग ऑटोमैटिकली कंट्रोल करेगा ये जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा वधिया ट्रेलर जो आप बैक करना वो वास्ते। तो हम स्टीयरिंग की गल करिए स्टीयरिंग भी सारा यदा लैदर के ही आ स्टीयरिंग के उत्ते क्रूज़ के कंट्रोल ने तो क्रूज़ की गल करते हैं आप पहले होंगे सी नॉर्मल क्रूज़ फिर है अडैप्टिव क्रूज़ हूँ फोर्ड वालों है ब्लू क्रूज़ की है ब्लू क्रूज़ है तो क्रूज़ ला के छड़ देना स्टीयरिंग भी तुम छड़ सकते हो ऑटोमैटिकली कंट्रोल करेगा तो वह लीगल नहीं है स्टीयरिंग छड़ना तो वह वास्ते फोर्ड ने फीचर दिता है अपन ब्लू क्रूज़ का फीचर इतने आ जी इन्नी चीज़ है ये है ब्लू क्रूज़ ये अपन कैमरे दिते हुए ने अपनी मोशन कंट्रोल करते हैं भी अपनी स्टीयरिंग उत्ते आप फोकस अपना रोड के उत्ते है ज नहीं वो कंट्रोल करते हैं वो उस हिसाब न अपन वॉर्निंग देगा मीटर के उत्ते ये इतों तक के फीचर अपन देते गए। तो हम गेयर लीवर यदा तो देखोगे गेयर लीवर अपने को इस टाइम है नहीं गा इतने तो बस इनू आ बटन अपने दे रहा गेयर लीवर बहर तो फिर आप इन कंट्रोल कर सकते हैं अपने यूजर वे तो इनू इदा कर मकसद की आ ये फोर्ड ने बनाया इनू ट्रक न वर्क परपस वास्ते इनू आप इदा चक सकते हैं तो अपने इतने कुछ भी लैपटॉप वगैरह रख के तो आप काम अपने कर सकते हैं इतने नाल ही पिछे कप होल्डर दिए गए हैं जो कि एज यूजल होंगे ने सारे ट्रकों में तो वायरलैस कीपैड भी दिता गया है ये वो इतने आप USB पोर्ट दिता गया कि USB रेगुलर पोर्ट है तो आ वायरलैस चार्जिंग पैड यदा तो हम आप उपर इतने कंट्रोल की गल करिए इतने लाइट्स के कंट्रोल ने अपने को सनरूफ के कंट्रोल ने तो आ ही अपना ग्लास होल्डर है तो आ जोड़े तीन बटन ने सनवाइजर के उत्ते है अपने गराज के कंट्रोल गराज के डोर के कंट्रोल ने आप इतने ऐड कर सकते हैं उन्होंने भी तो सनरूफ यदा बहुत ज़्यादा व्डा है पैनारोमिक सनरूफ जिन्हों कहने आप नॉर्मली ट्रकों में सारे चाह गया है आज हम आप बाहर चलते हैं इनू कर दिए इग्निशन ऑफ तो आ मैमरी सीट है आप सीट ऑटोमैटिक पिछे आ तुम ग्राफिक्स देख सकते हो स्क्रीन चेंजेस पुराने ट्रक के नाल इतने लाइटनिंग बैच देता क्योंकि लाइटनिंग इलैक्ट्रिक है आ इतनी रियर टेल लाइट्स जीडिया इन्होंने भी रडार ये सारा ट्रक ही अडैप्टिव अनलॉक करते हैं
ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਰੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰਿੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਬੈੱਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1400 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ 3 ਟਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 500 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੇਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯੂਜਲੀ ਬੈਗ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਫਰੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਸੰਜਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਫੀਚਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੈਦਰ ਅਪੋਸਟਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਲੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਟਰੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਰੂਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 6'1" ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡ ਰੈਸਟ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਟਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ USB-C USB ਨੋਰਮਲ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟਰੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਨਿੰਗ LED ਲਾਈਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਫੋਰਡ F-150 ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ